एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बुधवार और मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नीचे बैठ के, क्योंकि मुझे करना है अपना स्किन का केयर अभी। तो इसलिए मैं जल्दी से फटाक से एकदम लगा लूँगी ये रेडीमेड हिमालया का निम फेस पैक, जो कि इस गर्मी में बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने सुना है कि ये जो हिमालय का निम फेस पैक है किसी किसी चेहरे पर ये सूट नहीं कर रहा है, पिंपल्स या फिर रैसेस निकल जा रहा है। तो आप अपने एक बार फेस पे किनारे में लगा के 5 मिनट तक देखिए, अगर कोई खुजली या फिर रैसेस नहीं हो रहा है तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। पर मेरे स्किन के सूटेबल है तो इसलिए मैंने ये हफ्ते में तो एक बार ज़रूर लगाती हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये तो अभी लगाना हो गया है, ये जब तक सूख जाए तब तक मेरा खाना भी बनाना हो जाएगा, तो 2-in-1 काम हो जाएगा मेरा। तो अभी चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, तो चलिए किचन में मिलते हैं। तो किचन में मैंने सब तैयारी कर चुकी हूँ। ये है पत्ता गोभी आलू और इसके साथ जो जाएगा वो है शफीस का सीर है, ये रखा हुआ था मुझे याद नहीं था, तो मैंने फ्रिज खुला तो देखा ये अभी भी है। तो इसके साथ इसको फ्राई करके इसके साथ मैं बनाऊंगी। चला दिया है और ये गर्म भी हो गया है, मैं इसमें दे दूंगी अभी तेल। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी झींगा पोस्तो, इसको मैं लाल करके फ्राई करूंगी। और अभी मैं दे दूंगी ये कटा हुआ झींगा। इसमें हल्दी नहीं जाता है, सिर्फ नमक दूंगी मैं। फिर इसको फ्राई करूंगी, इसके बाद नमक दूंगी। इसे ढक ढक के पकाना होता है, तो मैं इसको 5 मिनट तक ढक ढक के पकाई, तो तरह से पक गया है। इसमें मैं भी दे दूंगी ये खसखस का पेस्ट, गैस का फ्लेम कम करके। सब्जी है ये हो गया है, इसको ज़्यादा तक मैं उबालूंगी नहीं तो खसखस का जो फ्लेवर है, जो सेंट है, वो चला जाएगा। तो अभी इसको मैं निकालूंगी। तो अभी मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी का सब्जी। ये जो फिश है इसमें मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी दे दूंगी करूंगी। और इसी तेल में मैं तेजपत्ता, ये कलौंजी और मेथी, जीरा जिसको हम लोग पाँचफोरन बोलते हैं, ये और ये आलू भी दे दूँगी मैं इसके साथ, और इसको मैं कुछ देर तक फ्राई करूँगी। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on.
कितना फेस लग रहा है मुँह। तो एक वीडियो पब्लिश करना है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। एवरीवन, तो ब्लॉग के बीच में ये वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखें। तो मेरा ये वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरा एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है बहुत दिनों से कि मैं पूरा फेस कैसे करके कवर करती हूँ दुपट्टे से। मैं तो ये मेरा तो ऑलरेडी ये वीडियो है, तो आप वो एक बार चेक कर लीजिए। उसने बोला है कि पूरा फेस तो मैं आईज तो कवर नहीं करूँगी, हाँ, और उसने बोला है कि इतना टाइट करके कवर करना होगा जो लिप्स और नोज का से बाहर तक दिखे। तो मैं एक सजेस्ट करूंगी कि इतना टाइट मत कीजिए। अगर आप आधा घंटा एक घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो इतना टाइट करोगे तो आपका नोज और लिप्स का सेप खराब हो जाएगा। पर फिर भी आपने बोला है इसलिए मैं दिखा रही हूँ, पर मैं इतना टाइट नहीं बांधती हूँ। क्योंकि मुझे आदत है, मैं जब स्कूल कॉलेज में जाती थी ना, तो स्कूल तो मैं साइकिल लेके जाती थी और कॉलेज में स्कूटी लेके, तो तभी मैं स्कूल से ही मैं पूरा रैप करके जाती थी ऐसे, जो दुपट्टा होता था। तो मुझे आदत हो गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरा। तो अभी लंच नहीं किया है मैंने, तो अभी जाऊँगी लंच करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एकदम शाम को मिलूंगी, अभी नहीं। तो चलिए अभी लंच कर लूँ। लंच हो गया है और अभी मेरा मन है लस्सी पीने का, तो मैं बनाऊँगी अभी लस्सी। तो दही था कब से घर में, तो इसको ही मैं यूज़ कर लूँ। तो इसमें दे दूँगी, ये सारा ही दे दूँ और रखे क्या करूँगी। तो मैंने दे दिया इधर ये दही, इसमें दूँगी नमक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और इसमें मैं दूँगी शुगर। दो चम्मच इतना मैंने दे दिया है चीनी, और थोड़ा सा दे दूँ, और इसमें जाएगा चिल वाटर, एकदम चिल। क्योंकि दोपहर का जो बनाया था तो सब है, तो रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल अभी बनाऊं, तो मैंने अभी बॉईल करके रख दिया है, ये है नूडल्स और पास्ता, दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके था। तो मैंने सोचा कैसे करके मैं यूज़ करूँ, तो दोनों मैं एक साथ बॉईल कर लिया, एक साथ नहीं, मैंने पास्ता को पहले बॉईल किया था क्योंकि पास्ता बॉईल होने में टाइम लगता है। तो पास्ता को गर्म पानी में देने के 5 मिनट बाद मैंने नूडल्स डाला है, क्योंकि नूडल्स ज़्यादा जल्दी पक जाता है पर पास्ता नहीं पकता है, इसलिए मैंने 5 मिनट बाद डाला है। और इधर मैंने कट कर लिया है
ये है गाजर क्यूकम्बर सलाद और गाजर मैं भी दूंगी और ये मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी काट लिया है और इधर मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है अनियन अदरक लहसुन और है हरी मिर्च। तो अभी मैं बनाती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है तो अभी मैं तेल में दे दूंगी ये प्याज। आप लंबा लंबा भी काट सकते हो पर मैंने जल्दी में किया है तो इसलिए चॉपर में चॉप कर लिया है और ये सब मैं हाई फ्लेम में फ्राई करूंगी। और इसके साथ साथ मैं दे दूंगी ये गाजर और दे दूंगी ये पत्ता गोभी थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं बाद में दूंगी। आखिर तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें दे दूंगी रेड चिली सॉस थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। मैं दूंगी टमाटर सॉस थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए और इधर मैं दूंगी ग्रीन चिली सॉस और इधर मैं दूंगी ये विनेगर। और इसके साथ साथ मैं दे दूंगी स्वाद अनुसार नमक और इसको मैं अच्छी से मिक्स कर लूंगी। तो ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये पास्ता और ये नूडल्स। मुझे पास्ता नूडल्स बनाना अच्छा लगता है और ऑब्वियसली खाना भी अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस जाएगा। अभी इसमें सॉसेस ज्यादा लगता है इसलिए मैं हर वक्त सॉस अवेलेबल रखती हूँ घर में। तो इसी तरह मैं इसको और 5 मिनट तक फ्राई करूंगी उसके बाद मैं एक प्लेट में इसको निकालूंगी और एकदम लास्ट में मैं ये पत्ता गोभी ऊपर से ऐसे करके दे दूंगी। तो ये भी तैयार है। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... मैंने सावर ले लिया। बहुत गर्मी लग रहा था और मैंने एक नाइटी पहना है। पूजा देना हो गया है मेरा और अभी मैं बालों में लगाया है एलोवेरा जेल क्योंकि डैंड्रफ का प्रॉब्लम मेरा हमेशा से है। तो मैंने तो अभी मैं खा रही हूँ ये नूडल्स। आप लोग भी एक बार ऐसा करके जरूर ट्राई कीजिए बहुत ही यम्मी होता है। तो खाना रात का तो खाना कुछ बनाना नहीं है अभी सब कुछ है। तो ये वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। आई होप ये सब खाना रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।